नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियों की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ निर्दलीय पार्षदों ने धरना खत्म कर दिया है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान ने पार्षदों से मुलाकात की और मांग जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। पार्षद समितियां गठन की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय में पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे थे। यहां पर मंत्री व विधायकों ने कहा कि ये परिवार का मामला है, पार्षदों को अनशन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस का बोर्ड है, ऐसे में कोई निर्णय करने के परेशानी नहीं आएगी। पार्षदों से वादा किया गया कि समिति गठन का वादा पूरा करेंगे। आपको बता दें, नगर निगम हेरिटेज में संचालन समितियों की मांग को लेकर कांग्रेस के साथ निर्दलीय पार्षदों ने धरना खत्म कर दिया है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान ने पार्षदों से मुलाकात की और मांग जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। पार्षद समितियां गठन की मांग को लेकर नगर निगम मुख्यालय में पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे थे। यहां पर मंत्री व विधायकों ने कहा कि ये परिवार का मामला है, पार्षदों को अनशन नहीं करना चाहिए, कांग्रेस का बोर्ड है, ऐसे में कोई निर्णय करने के परेशानी नहीं आएगी। पार्षदों से वादा किया गया कि समिति गठन का वादा पूरा करेंगे। तो ये कांग्रेस का एक परिवार है, हमारा विश्वास है एक दूसरे पर, इनका सम्मान रखा जाएगा। इन्होंने जितना गुस्सा दिखाया उतना इनके चेहरे पे खुशियां होगी, आप चिंता मत। जानते हैं कमेटियां तैयार पड़ी है, कभी घोषित हो जाएगी। कमेटियां घोषित होगी उससे पहले धरना तो तोड़ना ही पड़ेगा, तय बात है, बुरा मानने की बात ही नहीं है। पहले कमेटियां घोषित और बाद में तोड़ेंगे, अच्छा लगता है कि घोषित कर देंगे? पड़ा है 24 घंटे, क्या हो गया उसमें? हम एमएलए क्या कर रहे हैं? और पार्षद को जरूरी है क्या चेयरमैन बन के काम कर सकता है? ऐसे काम नहीं कर सकता। ये एमएलए हैं दोनों, कल ये कहते रूस जाए 20-20 आदमी लेके बैठ जाए, अरे क्या है, हमें मंत्री बनाओ, फिर कहीं बोल दो। ये राजनीति के माए ना कोई गलत फहमी है, कोई माके भरोसे चाल रही है कि राजनीति ऊपरवाला के भरोसे चाले है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गिरिराज, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। हेरिटेज नगर निगम में संचालन समितियों के गठन के मामले को लेकर पिछले 9 दिन से कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद धरने पर बैठे हुए थे और उनकी जो मांग पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कल ही अनशन भी शुरू कर दिया था समितियों की मांग को लेकर। इसके बाद कल देर शाम को महापौर मुनीश गुजर धरना स्थल पर पहुंची और पार्षदों से समझाइश की। हालांकि पार्षद समिति गठन की मांग पर अड़े हुए थे और उन्होंने दो टूक शब्दों में मेयर से कह दिया था कि जब तक चारों एमएलए हमें पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर देंगे कि समितियों का गठन कब कर दिया जाएगा, तब तक हम अनशन खत्म नहीं करेंगे। और उसका नतीजा ये रहा कि आज दिन भर कयास लगाए जा रहे थे कि जो ये मंत्री है, दो मंत्री और दो विधायक हैं यहाँ के जयपुर शहर के, उनसे चर्चा होगी और इनसे मुलाकात होगी। वह भी यही कि देर शाम जो प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री और दोनों विधायक रफीक खान और अमीन कागजी वो धरना स्थल पर पहुंचे और पार्षदों से समझाइश की। इन्होंने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि हम जो इनकी संचालन समितियों का जो गठन करने का काम है वो जल्दी कर दिया जाएगा। उसके बाद पार्षदों ने जो उनका अनशन जारी था वो खत्म कर दिया। हालांकि जो पार्षदों को मनाने के लिए पहुंचे हैं एमएलए जो और मंत्री, उनमें भी एकजुटता नजर नहीं आई। तीनों एमएलए जो एमएलए है प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी और रफीक खान, ये तीनों एक साथ पहुंचे थे, इनके साथ महापौर मुनीश गुजर भी पहुंची थी। हालांकि इन्होंने धरनास्थल पर जो बैठे हुए थे पार्षद, उनसे ये कहा था कि जो मंत्री महेश जोशी है।